हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पास जो टॉपिक है उसका नाम है प्रीजम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसका जो प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरेटिकल एग्जाम में तो आएगा ही, ठीक है ना। तो दोनों एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से देखना इसको। और प्रीजम के बारे में आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर सुन रखा होगा, ठीक है, और देखा भी होगा आपने प्रीजम। तो आपने देखा होगा प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब उसके अंदर से लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है, ठीक है ना। और कैसा होता है, आपने देखा होगा टू प्लेन सरफेस होती है ऐसे, और टू प्लेन सरफेस होते हैं वो सीधी नहीं होती, इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड का मतलब समझते हैं ना, ऐसे ही हूं तो मतलब इंक्लाइंड होते हैं। टू प्लेन इंक्लाइंड सरफेस के द्वारा वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो बाउंड होता है, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्रिज्म बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच बाउंडेड बाई टू इंक्लाइंड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड ए प्रिज्म, ठीक है ना। एक पारदर्शी माध्यम है जो झुकी हुई दो समतल पृष्ठों के द्वारा बताओ तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो प्रिज्म बनाया है इस प्रकार से, ये जो प्लेन सरफेस है वो ये वाली दो है, और इनके दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, ठीक है। और ये जो दोनों सरफेस है इन्हें हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इन दोनों के द्वारा, इन दोनों सरफेसेस के द्वारा लाइट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो ये तो था प्रिज्म। एक नाम आता है यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम आता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मतलब विचलन कोण। बता देता हूं टॉपिक का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण, जिसको हम यहां पे डेल्टा से लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा से लिखेंगे। तो यहां पे ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देनी होती है, इसको जो इक्वेशन है वो निकालनी होती है एग्जाम में। होता क्या है कि जो प्रिज्म होती है उसके ऊपर जो लाइट रे इंसिडेंट होती है और जो प्रिज्म से बाहर निकलती है, इमरजेंट रे बोलते हैं, मतलब निर्गत किरण बोलते हैं, दोनों के बीच में इंसिडेंट रे और मतलब इमरजेंट रे दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना उसे हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोल देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे फ्रॉम द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए यहां पे किस प्रकार से रे डायग्राम, ध्यान से देखना है। यहां पे देखिए, मान लीजिए आपके पास यहां से कोई रे इंसिडेंट हो गई है, तो इसका नाम क्या हुआ यहां पे, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण हो गई है। यहां पे इंसिडेंट हुई है, ये कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल हमें क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, यहां पे ये वाली होगी, ठीक है ना, ये जिसका नाम है एन वन दे देता हूं। तो यहां पे इंसिडेंट हुई नॉर्मल, तो कोई भी एंगल होता है वो हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, नॉर्मल से। तो इंसिडेंट एंगल कौन सा हुआ आपके पास, ये वाला हुआ। आपके पास दो होंगे कि यहां पर टकराएगा तब भी इंसिडेंट एंगल होगा, तो मैं इसको यहां पे I1 नाम दे देता हूं, कोई दिक्कत है। अब ये सीधी जाएगी या फिर बैंड हो जाएगी, आपसे पूछा जाए, बोले सीधी जाएगी या बैंड होगी, तो आप क्या कहोगे, ये सीधी नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या था, म्यू वन था, अंदर का क्या है, म्यू टू, तो म्यू टू ग्रेटर देन क्या है, म्यू वन, अंदर डेंसर और बाहर क्या है रे। तो रे से डेंसर में जाती है तो किधर बैंड हो जाती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा था, नीचे वाला, तो नीचे की तरफ बैंड हो गई है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, कोई दिक्कत है, यहां तो कोई अलग से रूल नहीं लगा है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात पूछी जाए तो नॉर्मल से ड्रॉ करते हैं इसी सरफेस से, तो यहां पर क्या आ गया है, आर वन आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए अंदर से बाहर आ रही है, दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दोबारा यहां पर क्या इंसिडेंट हो, तो दोबारा यहां पर क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो दोबारा हमने यहां पे क्या कर दिया है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये N2 नाम दे दिया इसका, ठीक है। अब यहां पे इंसिडेंट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। अब इस सीधे जाने की वजह क्या होगी,
क्योंकि डेंसर से रे आ रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये कौन सी होगी यहाँ पे इमरजेंट रे, मतलब जो बाहर निर्गत किरण जिसे अपन बोलते हैं। आपने क्या कहा था कि इंसिडेंट रे कौन सी थी, डॉटेड लाइन जो खींच रही तो थी इमरजेंट रे वाली है। तो दोनों इसको मैं आगे बढ़ाता हूं यहां पे, तो ये जो एंगल आता है डेल्टा, ये आपका क्या हो गया है एंगल ऑफ डेविएशन, क्या हो गया है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया है एंगल ऑफ डेविएशन, कोई दिक्कत है। अब देखिए मैं यहां पे एक्चुअल में हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए आई टू आना चाहिए और यहां पे क्या आना चाहिए आर टू आना चाहिए, परंतु आपने देखा कि स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन है तो स्नेल्स लॉ लागू होगा, स्नेल्स लॉ रे टू डेंसर जाता तो कौन सा होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन, अगर डेंसर टू रे जाएगा तो क्या आएगा साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू म्यू वन अपॉन में म्यू टू आएगा। तो दोनों पे स्नेल्स लॉ क्या अलग अलग लगा, हम चाहेंगे कि दोनों पे एक ही लग जाए तो हम क्या कर दें एंगल को चेंज कर दो, आई टू को क्या कर दो R2 कर दो और I इसको क्या कर दो I2 कर दो, अब दोनों पे क्या लग जाएगा सेम लग जाएगा कौन सा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन, नहीं तो इस पे क्या लगाना पड़ता म्यू वन अपॉन में म्यू टू लगाना पड़ता, ठीक है ना, ये जो एंगल चेंज किए क्योंकि है समझ गए ना स्नेल्स लॉ दोनों पे एक ही लागू हो जाए, ठीक है। अब देखिए आगे इसका नाम मैं यहां पे मान लीजिए O दे देता हूं, इसका इस पॉइंट का नाम M दे देता हूं, इसका क्या दे देता हूं यहां पे एन नाम दे देता हूं, ठीक है, ये एन दे दिया, ये आपका एंगल दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं नॉर्मल इसको यहां पे ओ नाम दे दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए भाई अब एक बात और करते हैं यहां पे, ये अगर मैं आपसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूछूं आपसे तो कितने का होगा बता सकते हो, जैसे देखिए ये एंगल आई का है तो ये पूरा एंगल कितने का हुआ आई का, इसी प्रकार से ये एंगल I1 का तो ये यहां से यहां तक का पूरा कितने का I1 का, तो जिसमें से R1 नीचे का तो ऊपर वाला कितना बचा ये वाला एंगल कितने का बचा I1, ऊपर लिख देता हूं I1 माइनस R1, ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला एंगल कितने का बचा I2 माइनस R2, कितने का बचा मैं यहां पे इस एंगल को यहां पे लिख देता हूं I2 माइनस R2, ठीक है ना, इस प्रकार से आपके पास यहां पे आ गया है। तो अब देखिए यहां पे अपन ट्राइंगल लेंगे कौन सी नीचे वाली बाई ट्राइंगल, ये ले लेते हैं एम ओ एन, एम ओ एन आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने का होता है 180 का, तो यहां पे एंगल कितने का है आर वन, यहां पे कितने का है आर टू, यहां पे कितने का है एंगल ओ है इक्वल टू 180 आ गया, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है फर्स्ट आ गई है, कोई दिक्कत है। अब हम यहां पे डायग्राम लेंगे बाय डायग्राम ए एम ओ एन, ए एम ओ एन मतलब आपके टेट्रागोनल बन गई है, तो टेट्रागोनल के अंदर चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितने का होता है 360 का होता है, तो चारों एंगल्स लगा दीजिए, ये कितने का है ए एंगल ए, ये आपने एम नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है तो नॉर्मल कर रखा है तो कितने का बनेगा 90 का, प्लस में एंगल कितने का हुआ यहाँ पे 90 का, ठीक है, और प्लस में एंगल ओ, ठीक है ना, एंगल ओ यहाँ पे दोबारा ये भी आपका क्या था नॉर्मल था तो ये भी एंगल 90 का इक्वल टू क्या बना 360, कितने का होता है 360 का होता है, 90 90 180 तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का तो क्या बचेगा ए प्लस में एंगल ओ इक्वल टू 180 बच गया, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है टू आ गई है। अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या जाएगा आपके पास यहां पे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो क्या जाएगा आपके पास आर वन प्लस में आर टू प्लस में एंगल ओ इक्वल टू क्या जाएगा ए प्लस में एंगल ओ, एंगल ओ से एंगल ओ कट जाएगा क्या बचेगा आपके पास R1 प्लस में R2 इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई है थर्ड आ गई है, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है, इसका नाम मैं O डैश दे देता हूं इस पॉइंट का। अब यहां पे ये वाली ट्राइंगल लेंगे हम बीच वाली ये वाली, ठीक है ना, तो बाई ट्राइंगल O डैश M
और एन। आपको पता है कोई भी ट्रायंगल होता है उसका जो आउटर एंगल होता है वो हमेशा इंटीरियर टू एंगल्स के अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इसका जो आउटर एंगल कौन सा है? डेल्टा। इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला और ये वाला। ये वाला कौन सा था? आई वन माइनस आर वन। ये वाला कितना था? आई टू माइनस आर टू। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया? आई वन माइनस आर वन प्लस में आई टू माइनस आर टू, ये आ गया आपके पास। इसको अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस में आई टू और यहां पे माइनस, माइनस कॉमन कर लिया तो क्या गया? आर वन प्लस में आर टू, ये आ गया। और आपको पता है इक्वेशन थर्ड से, बाय इक्वेशन थर्ड क्या आ जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस में आई टू माइनस ए आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके पास? फोर आ गई, क्योंकि अब आपके पास आर वन प्लस आर टू ए आए था तो इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? ए लिख दिया है। कोई दिक्कत है? ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ जो मैंने बताया था कंसेप्ट वो लागू करते हैं। बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन में साइन आर होता है इक्वल टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन। दोनों म्यू टू अपॉन म्यू वन को मैं दोनों को म्यू लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहां से आई और आर, आई और आर का मतलब यहाँ पे क्या है? आई और एन, आई और आर क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है। तो साइन आई को हम यहाँ पे क्या लिख दिया? आई लिख दिया। और साइन आर को क्या लिख दिया? आर। क्यों लिखा है आई अपॉन में आर? समझ गए ना, आई और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? वेरी स्मॉल है। तो आई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? म्यू आर। तो इसलिए आपके पास आई वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू आर वन। और आई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू आर टू आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई वन और आई टू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर देंगे। लिख दीजिए यहाँ पे वैल्यूज ऑफ आई वन एंड आई टू पुट इन इक्वेशन फोर कर दीजिए। क्या आ जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू आर वन प्लस में म्यू आर टू माइनस ए। तो यहाँ पे म्यू कॉमन हो गया, क्या बचा? आर वन प्लस में आर टू म्यू माइनस ए बाई इक्वेशन थर्ड, क्योंकि आर वन प्लस में आर टू क्या लिख सकते हैं? ए। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया? ए ए म्यू माइनस ए। तो डेल्टा कॉमन हो ना, ए कॉमन हो गया, क्या बच गया? म्यू माइनस ए। यही आपका क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन, यही तो निकालना था आपको। म्यू क्या है यहां पे? ये लिख देंगे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ए क्या है यहाँ पे? प्रिज्म एंगल, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। अब इसे ये ध्यान से करना आपको। और अब इससे आगे कई बार आपसे मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए देखना यहाँ इसके करने के बाद या फिर लास्ट में कह दिया जाएगा कि प्रिज्म फॉर्मूला बताइए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ तक सिर्फ क्या पूछे? एंगल ऑफ डेविएशन पूछे तो यहाँ तक। अगर क्या पूछ लेता है? प्रिज्म फॉर्मूला बताइए, तो इस इतना तो करना ही करना है, इससे आगे और करना है। तो देखना क्या यहाँ कर देता हूं। देखिए क्या मैंने यहां पे कहा, व्हेन I1 और I2 दोनों किसके बराबर हो? I के। और R1 और R2 दोनों किसके बराबर हो? R के। देन जो डेल्टा है वो किसके हो जाएगा? डेल्टा M हो जाएगा, मतलब मिनिमम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी, इस कंडीशन पे हमने एक प्रकार से कंडीशन ले ली है, ठीक है ना। तो हमें यहां पे क्या करना है कि आपको आई और आर की वैल्यू निकालनी है। क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? आर, क्योंकि हमें पता है प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्शन है तो, रिफ्रैक्शन है तो क्या होता है प्रिज्म फॉर्मूला? साइन आई अपॉन में साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू आप क्या कह सकते हो? म्यू लिख सकते हो, ठीक है ना। साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू। ये आपके आपके पास क्या है? प्रिज्म फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर जो भी लिखना चाहो इसमें आप कर सकते हो। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? फाइव आ गई। तो मैं एक्चुअल में आपको आई और आर की वैल्यू निकालनी है।
तो देखिए बाय इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि कंडीशन रखिए, तो क्या आ जाएगा आर प्लस में आर इज इक्वल टू ए, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया ए बाई टू, आर की वैल्यू तो आ गई आपके पास। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर से निकाल लीजिए, तो यहां पे ये आपने किसे निकाला बाय इक्वेशन थर्ड, अब किसे निकालेंगे बाय इक्वेशन फोर, तो क्या जाएगा अगर हम आई और आई वन आई टू आई लिखेंगे तो डेल्टा क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस में आई माइनस ए, तो टू आई इज इक्वल टू क्या गया डेल्टा एम प्लस में ए, ये तो चला गया, तो आई इज इक्वल टू क्या गया डेल्टा एम प्लस में ए बाई टू आ गया, ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई है और आर की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फाइव में पुट कर देंगे, तो कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा वैल्यूज ऑफ आई एंड आर पुट इन इक्वेशन फाइव, क्या आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई, आई की वैल्यू क्या है यहां पे डेल्टा एम प्लस में ए बाई टू अपॉन में साइन आर, आर की वैल्यू क्या है ए बाई टू, यही क्या होता है प्रिज्म फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कई बार ग्राफ भी पूछ लिया जाता है इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा क्या है यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है आई क्या है यहां पे इंसिडेंट एंगल, इन दोनों के बीच में ग्राफ पूछ लिया जाता है तो आपके पास यहां पे इस प्रकार से ग्राफ आता है और ये जो वैल्यू आपकी है ना ये आपका क्या आ गया है डेल्टा एम आ गया है, ठीक है ना, यहाँ पे इस वैल्यू के ऊपर ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये ग्राफ हो गया है इसके लिए, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, तो एक बार मैं रे डायग्राम है वो दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना के, हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आई हो, ठीक है ना, तो एक बार डायग्राम को जो स्टार्टिंग में रे डायग्राम बनाया था उसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, बाकी सब आपको करना ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना के दिखा दो क्योंकि थोड़ा छोटा बन गया था, तो इससे हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आई हो। ठीक है, ये प्रिज्म है, ये एंगल कौन सा बताया था प्रिज्म एंगल बताया था, मान लीजिए यहां से रे इंसिडेंट हुई है, ये कौन सी रे बताई थी आपको यहां पे इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहां से कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है, तो ये नॉर्मल आपके पास यहां पे इस प्रकार से आ गया था, ठीक है ना, ये एंगल कितना का बताया था आई वन का, अब ये सीधी जाएगी या फिर बेंड हो जाएगी, आपने कहा कि बेंड हो जाएगी क्योंकि बाहर का म्यू वन है अंदर का म्यू टू, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी, तो ये एंगल कितने का बनेगा आर टू का बनेगा, सॉरी नीचे वाला, क्योंकि कोई भी एंगल हमेशा नॉर्मल से ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका कितने का बन गया आर टू का, ठीक है। अब यहां से दोबारा डेंसर से रेयर में जाएगी तो दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपने दोबारा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है यहां पे, ठीक है, इसका नाम आपने एन वन दिया था, इसका नाम क्या दे दिया है एन टू दिया है। अब यहां से टकराएगी तो सीधे जाने की बजाय क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये हो गई है, ये कौन सी बन गई है इमरजेंट रे, जो बाहर आती ग्रे होती है, आपने क्या कहा था इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, तो इंसिडेंट रे ये थी, इसको आगे बढ़ाइए तो आपके आपका पास ये जो एंगल आया इसी को अपन ने क्या कहा था एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, विचलन कोण जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। अब ये जो एंगल था इसका नाम आपने ओ दिया था, इसका नाम आपने ओ डैश दिया था, इसका एम दिया था और इसका एन नाम दिया था। फिर मैंने क्या कहा था कि यहां पे लिख देता हूं एन, आपने क्या कहा था कि हिसाब से ये वाला एंगल आर आई टू होना चाहिए, ये वाला एंगल कितने का होना चाहिए आई टू का होना आर टू का होना चाहिए, परंतु स्नेल्स लॉ दोनों में क्या लगेगा फिर अलग अलग लगेगा, सेम लग जाए उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कहा था इसको आर टू कर दो इसको आई टू कर दो, ठीक है। एक बात और बताई थी आपको, ये पूरा एंगल आई वन है तो ये यहां से यहां तक ये भी कितने का होगा आई वन, तो इसमें से आई वन में से ये वाला आर टू होता है कितने का बचा आई वन माइनस
आई वन माइनस आर वन, इसी प्रकार से ये वाला एंगल कितना क्या बचा आई टू माइनस आर टू। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना दिया, रे डायग्राम प्रिज्म का, तो बड़ा करके बना दिया है, अच्छे से बनाना इसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।